नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिस्कवर इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। ये सोनी का टीवी मेरे पास आया है, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। प्लग मैं इन करता हूँ, ये सबसे पहले मैंने इन किया, देखिए इन कर दिया, इसे ऑन करता हूँ मैं। ये ऑन किया, ये ग्रिल आ गया है इंडिकेटर, ये सोनी लिखा हुआ आया और चला गया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये दिख रहा सोनी बार हल्का हल्का दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम ब्रेकिंग हो रहा है इसमें। तो आइए अब इसको खोल के देखते हैं इसमें है क्या। इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको बताता हूँ, इसका मॉडल नंबर क्या है। एक ये इसका मॉडल नंबर है KLV 32R322D, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, मैं अब मैं खोलता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। कभी कभी ऐसा फॉल्ट भी होता है कि देखिए, ये ऑन किया इसको, ये ऑन हो गया, इसमें लिखा के लिख के भी आएगा क्लियर, देखिए ये आ गया, सोनी लिख के भी आता है। और ये देखिए आप पिक्चर अभी क्लियर आ रही, ये ऑन हो गया। और कुछ देर बाद फिर ये 6 टाइम ब्लिंकिंग में पहुंच जाएगा। मैं आप चलते चलते, कभी ऐसा फॉल्ट होता है, सबसे पहले फॉल्ट तो देखिए, यदि डिस्प्ले नहीं आ रहा है तब ये फॉल्ट, यानी ये स्टेप का भी फॉल्ट हो सकता है। परंतु इसमें जो स्टेप लगी हुई है, 3 स्टेप लगी हुई है, यहाँ से पता लग रहा है, देखिए 1 2 3, ये कॉमन है ये सभी के लिए। ठीक है, इसमें 3 स्टेप लगी हुई है, 1 2 3। तो मैंने स्टेप चेक की है, आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ से इसको निकाल के, और यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं आप बैकलाइट टेस्ट लगा के। तो ये तो क्लियर है, यहाँ पे फॉल्ट आता है। तो यदि कभी ऐसा सिस्टम ब्रेकिंग का फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, ये यहाँ पे जो 31 नंबर पिन है, वहाँ से ये टेम्परेरी काम है, पर वहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड करना है 10K का। कभी कभी तब भी ये क्लियर हो जाता है, ये अपने 6 टाइम बिलिंग के मोड से बाहर आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है, तब यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे पेंडेंट से लगे हुए हैं 3, इनके ऊपर लगे हुए हैं, उनको शॉर्ट कर देते हैं आपस में, तब भी ये क्लियर हो जाता है। यहाँ से ये फॉल्ट, ये यहाँ से भी क्लियर होगा, यहाँ से भी क्लियर होता है। कभी कभी IC से भी फॉल्ट बनता है, या स्ट्रेप से भी फॉल्ट बनता है 6 टाइम ब्लिंकिंग का, इन सबको चेक करना। अभी इसमें जो फॉल्ट है वो यहाँ पे, यहाँ का फॉल्ट है कंडेंसर का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों का, क्योंकि यहाँ पे एक जो अपना इसमें सप्लाई नहीं पहुँच पा रही एक स्ट्रेप पर, तो 6 टाइम का ब्लिंकिंग का फॉल्ट आता है। इसलिए मैं तीनों को शॉर्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने ये कंडेंसर पे यहाँ पर देखिए ये जंपर मार दिया है, देखो आप क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जंपर मारा है, आउटपुट पर मारा है मैंने, है ना, 1 2 3 जगह है, देखिए 3 स्टेप लगी हुई इसमें, इसलिए 3 जगह मारा है। तो ये अब देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन मोड से बाहर आती है कि नहीं, ये मैंने लगाया, लग इन किया, इसको आगे करते हैं, इसको ऑन, ये देखो सोनी लिखा हुआ आ गया, इसके बाद देखिए ये पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर तो आ गई क्लियर, पर इसको क्या है, कम से कम आप 1.5 घंटे चला कर जरूर देखें, ऐसा तो नहीं ये फॉल्ट आ रहा है फिर बाद में फॉल्ट आ जाए। ग्राहक के यहाँ कोई भी चीज़ दें आप, तो
पूर्ण से कंप्लीट करके दें, कोई मिस्टेक ना रह जाए। अब आपको बताते हैं, देखिए ये है, ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो है इस आरसी का डेटा सीट है, ये BD9397, ठीक है, 9397 है ना। इसकी मैंने अभी जो आपको पिन बताया था 21 नंबर पिन, देखिए ये पिन है, ये CP पिन है। यहाँ से मैंने बोला है आपको एक रेजिस्टेंस लगाने का 10K, इससे भी के जिससे कि ये क्लियर हो जाता है, कभी प्रोटेक्शन मोड से बाहर आ जाता है सर, ठीक है। और मैंने अभी जो जम्पर लगाए हुए हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से ये कंडेंसर लगे हुए हैं, कैपेसिटर वहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इसके आउटपुट पे जो है ना, मान लो कहीं पे कोई भी पिन प्रोटेक्शन में चली गई है तो उसके लिए, या कोई चीज़ ख़राब है तो इसके लिए मैंने क्या किया, इन तीनों को शॉर्ट कर दिया और यहाँ कंडेंसर लगा के मैं ऑन कर दिया, तो क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये आपको बताइए 6 स्ट्रिप लगा जा सकती है इसमें, ठीक। अब इसको कम से कम 2-3 घंटे चला के देखें, तब कहीं जाके ग्राफ को दें। मैंने देखिए अभी आपको बताया था ये पिक्चर ऑन है, तब से ये तभी से चल रहा है जब से मैं आपको बता रहा हूँ, पिक्चर क्लियर हो गया है, फॉल्ट क्लियर हो गया है। तो मैंने अभी आपको जो बताया वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से सेट को रिपेयर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन मोड से बाहर कैसे निकालें, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।